हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारे यहाँ दिवाली की काफ़ी सारे वेस्ट पड़े हुए थे, जैसे कि मिठाइयों के बॉक्सेस या पटाखे वटाखे जितने होते हैं उनके बॉक्सेस। उन्हें देखकर मुझे एक आइडिया आया कि वैसे तो हम ऑनलाइन कितनी चीज़ें सर्च करते रहते हैं अपने घर को सजाने के लिए, कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स सर्च करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना बनाया जाए। तो वो काफ़ी सारे वेस्ट और ऐसे बॉक्सेस पड़े हुए थे जिनका मैंने सोचा कि यूज़ कर सकती हूँ मैं, और कोई और एक डेकोरेटिव आइटम बन सकता है। तो बस वही आज मैं बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं कि कैसा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली का फेस्टिवल गया है, तो हमें अपने आसपास काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जो कि हमारे वहाँ काम आने वाली है। तो ये देखिए, ये जो पटाखे होते हैं उनके बॉक्स हैं ये, तो ये ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी कुछ यूज़ किया जाए। इसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मैं अब करने जा रही हूँ कलर। तो देखिए, आप देखते जाइए कि इसका मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें गोल्डन कलर करने जा रही हूँ। इस तरह से मैं इनमें गोल्डन कलर कर लूंगी। और जो ये गोल्डन कलर आप देख रहे हैं, ये एक्रिलिक कलर ही है, और ये बहुत ही इजीली आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा जहाँ पे कलर्स मिलते होंगे। तो वहाँ पे ये वाला गोल्डन कलर, गोल्डन सिल्वर और भी काफ़ी सारे कलर्स जो होते हैं ऐसे ग्लिटरी कलर्स, वो मिल जाते हैं। कॉपर भी आता है और भी काफ़ी सारे जैसे ग्लिटरी कलर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये एक्रिलिक कलर ही है जो इसमें मैं कर रही हूँ, और देख सकते हैं आप शाइन कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ही अपने आप अपने मनचाहे कलर देकर ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, और इसमें आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और खुद की बनाई हुई चीज़ें अलग ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से मैं इनमें कलर कर लूँगी, उसके बैक साइड में भी। इस तरह से मैं ये बैक साइड में भी कलर कर लूँगी। तो ब्रश भी बड़ा हो गया है और इसके जो ये बॉटल है इसके अंदर प्रॉपर घुस नहीं रहा है, मुझे दूसरे वाले ब्रश से ही ये करना पड़ेगा। इससे देखिए इजीली हो गया है ये। और ऐसे ही कितनी सारी चीज़ें हमें मार्केट मतलब ऑनलाइन भी हम देखते हैं और कितनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, तो खुद से भी बस थोड़ा सा टाइम देकर हम इस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं घर में ही। तो मार्केट से खरीदी हुई चीज़ होती तो अच्छी ही है, पर खुद से भी अगर हम बना सकें तो, अगर वो फिर दो लोग आके पूछते भी हैं कि ये कहाँ से लाए, तो हम जब ये कहते हैं कि ये हमने खुद ही बनाया, तो उनके एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही होते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखकर भी, कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ, कि मतलब खुद से ही इतना सुंदर बनाया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं चीज़ें घर में ही क्रिएट करने की। ये देखिए कितना सुंदर शाइन आ रही है इसमें, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक तो ये हो ही गया है, थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर मुझे कम लगेगा तो थोड़ा और करूँगी इसमें। इसी तरह से हमें इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में भी कर लेना है, क्योंकि इसका ऊपर वाला पोर्शन भी प्रॉपरली विजिबल होगा सबको, इसलिए ऊपर करने की भी जरूरत पड़ रही है। और अब मैं यहाँ पे ये जो क्राफ्ट मिरर है ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, तो ये मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इसका। तो ग्लू की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर रही हूँ इसमें। तो ये जो ये क्राफ्ट मिरर्स हैं ये मैंने मीशो से परचेज़ किए थे,
तो इसका कोड भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये परचेस कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये बॉटल देख रहे होंगे, अब मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ, तो इसके जो ये कैप है तो पहले इसको रिमूव करेंगे। तो इसके जो ये है, ये कॉर्क होती है, तो इसको रिमूव मैं करने जा रही हूँ। आप बहुत ही इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी आपसे कि इसे किस तरह से ईजिली रिमूव करते हैं, तो मैं आज दोबारा आपको दिखा देती हूँ कि इसे किस तरह से आप बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं। वैसे इसको रिमूव करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप थोड़ी से टाइम में इसे बहुत ही जल्दी रिमूव कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रिमूव करना। तो इसका कॉर्क रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें अपना गैस ऑन कर लेना है, और फिर जो इसका ये जो कॉर्क वाला साइड है इसको इसमें रखना है इस तरह से। और ये मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए गैस के ऊपर रखा था, और ये देखिए इस तरह से ये अपने आप ही निकल जाएगा थोड़ा सा नाइफ से ऊपर करके। आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही ईजिली ये अपने आप ही रिमूव हो गया है, और ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी पड़ी। ये देखिए ये पूरा रेडी हो गया है अभी। तो ये जो बॉटल मैंने जिसका एक कॉर्क रिमूव किया था, तो इसी को मैं इस पर प्लेस कर रही हूँ। आप वैसे तो ये जो ग्लास बॉटल्स होती हैं अच्छी लगती हैं, बट इसके ऊपर प्लेस करके ये एक प्रॉपर डेकोरेटिव पीस बन गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें मैंने ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लेस किए हैं बॉटल में, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें कुछ भी नहीं लगा, बस 5 मिनट का काम था, बस फटाफट इसमें पेंट किया। और मेरे पास ये जो मिरर्स रखे थे क्राफ्ट मिरर्स, उनको इसमें मैंने स्टिक कर दिए, और दरअसल ये सजावट की चीज़ बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके पास ये मिरर्स ना हो तो आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉल पुट्टी होती है उसके भी राउंड राउंड सर्कल बना के आप इसमें यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं उसको भी अलग अलग, या फिर सेम कलर कर लीजिए गोल्डन, या फिर आप और भी अपने मनचाहे कलर्स कर सकते हैं। मैं इन फ्लावर्स के बारे में भी बता देती हूँ आपको, ये जो फ्लावर्स हैं ये मैं DIY से लाई थी, तो देखिए ये भी बहुत प्यारे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स वहाँ पे मिलते हैं DIY में। तो हमारे यहाँ पे तो DIY हरिद्वार में है, तो आपके आसपास भी होगा तो वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ये मैं वहीं से लाई थी, और देखिए कितने प्यारा लग रहा है ये। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स अगर आपके पास ना हो तो देखिए ये जो बैम्बू आता है, ये लकी बैम्बू कहते हैं इसको, तो ये भी आप इसमें रख सकते हैं इस तरह से। और इस बॉटल को मैंने पानी से फिल कर दिया है, और इस पर ये लकी बैम्बू जो है ये लगा दिया है, तो देखिए इस तरह से ये जो लकी बैम्बू तो अंदर हो जाता है, मतलब ये तो इंडोर प्लांट ही है, इसको तो लोग घर पे अंदर ही रखते हैं। लकी बैम्बू या कोई भी मनी प्लांट होते हैं वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। कैसे लगा आपको मेरा ये आइडिया दोस्तों, ये शायद आपके लिए यूज़फुल हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर माय अपकमिंग वीडियो। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।